शिकायत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। वो पटना भेटा होते हुए भोजपुर जिले के जगदीशपुर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान राकेश टिकैत के साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह राजद विधायक सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। वहीं माल्यार्पण के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जल्दी किसानों के मुद्दों पर अन्य राज्य में आंदोलन करेंगी। ये आंदोलन एमएसपी से नीचे दाम मिलने के कारण किया जाएगा। एमएसपी गारंटी कानून के लिए बिहार किसानों का साथ दें। बिहार में आए क्योंकि बिहार के किसानों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इनके फसलों के दाम नहीं मिलते, सस्ते में व्यापारी फसलें खरीदता है क्योंकि बाजार समिति जो मंडी है वो यहाँ की ख़त्म हुई आज से करीब 15-20 साल पहले, और आज कोई प्लेटफार्म किसान का यहाँ पर नहीं है कि जिसमें किसान अपनी फसल बेच सके, और हज़ारों ट्रक यहाँ से भर के यहाँ की फसलों का जाता है। वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर बेचते हैं। तो एक लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। यहाँ का भूमि अधिग्रहण का इशू है भाई। कुंवर साहब ने 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ी और आज बिहार में भूमि अधिग्रहण हो रहा, कोई आंदोलन नहीं है। एक आंसू गैस का गोला नहीं है, एक लाठी चार्ज नहीं है, ज़मीन कैसे बच जाएगी? बगैर आंदोलन के ज़मीन बचती है? अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन ज़रूरी है। जब तक देश में जय हिंद संविधान का नारा नहीं लगेगा, ये ज़मीनें नहीं बचनी। पिछले महीने आप बक्सर भी आए थे कुछ महीनों पहले, वहाँ भी किसान को भूमि अधिग्रहण में प्रताड़ित किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। बिल्कुल आए, आंदोलन किया जाएगा, ट्रैक्टर आंदोलन हो, बिल्कुल होगा। ट्रैक्टर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, आज भी आप देखोगे तो ट्रैक्टर, आज और कल में भी ट्रैक्टर निकलेंगे। सरकारें अभी रोकेगी, एक झटका सरकारों से लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलेंगे, ट्रैक्टर से ही ये आंदोलन जंग जीती जाएगी। लोग जागरूक होंगे, यहाँ के लोग मेहनती हैं बहुत, बाहर जाकर काम करते हैं, बताते भी नहीं कि हम किसान हैं, वहाँ मजदूर और लेबर बनकर काम करते हैं। अपना खेत अपना काम, ये नारा बिहार में देना पड़ेगा, आएंगे सब लोग। वहीं वीर कुंवर सिंह के स्मारक नहीं लगाए जाने वाले सवाल पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले क्रांतिकारियों के इतिहास मिटाएंगे। वो गांधी के हत्यारे को क्रांतिकारी मानते हैं, उनका इतिहास लिखा जाएगा, वीर कुंवर सिंह का नहीं लिखा जाएगा। वीर कुंवर सिंह का इतिहास जनता को खुद लिखना पड़ेगा, सरकार के भरोसे इतिहास नहीं लिखा जाएगा। क्रांतिकारियों को तो इतिहास मिटाएंगे, वे कहाँ क्रांतिकारी थे, ये ना कहाँ क्रांतिकारी मान रहे, वे तो गांधी के हत्यारों को क्रांतिकारी मांगे, इतिहास उनका लिखा जाएगा, इनका कहाँ लिखा जाएगा। इनका इतिहास जनता को अपने आप लिखना पड़ेगा, सरकार के भरोसे रहोगे तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा। सर, बाबू वीर कुंवर सिंह धरती पर भोजपुर में पहुंचे हैं सर, किसानों के सबसे समस्या है सर, टाइम पे पटवन के लिए पानी नहीं मिल पाता है सर, यहाँ पे धान का देखो क्षेत्र को, लेकिन सिंचाई की उस सारी समस्याएं हैं। लेकिन अभी जो चतुर्भुज योजना चली है सरकार की, उसमें पानी के लिए भी वो है, लेकिन पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, उसका बंटवारा कौन से मद में कितना पैसा लगेगा, लाखों करोड़ रुपए की बात भी कर रहे हैं कि हम देंगे इसमें, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाएगा। वही 2024 में लोकसभा चुनाव में किसान किसको समर्थन करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो देखेंगे किसको सपोर्ट करना है, किसी को अखाड़े में जाते हैं कि कुश्ती लड़, और जब लड़ने वाला ही भाग जाए तो किसको करें। आरएसए राकेश कुमार की रिपोर्ट।